नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? तो चलिए आज हम जानते हैं अपने सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जानते हैं, इसे विश्व के सबसे प्राचीन धर्म के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके कई चिन्ह मिलते हैं। ऋग्वेद विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है जिसमें सनातन धर्म का अध्ययन किया गया है। यह धर्म लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 9,000 वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म एक धर्म है जिसके अनुयायी अधिकांश भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म की शुरुआत 2300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच आधुनिक पाकिस्तान के पास सिंधु घाटी में हुई थी, लेकिन कई हिंदुओं का तर्क है। अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, बल्कि यह विभिन्न मान्यताओं का मिश्रण है। सनातन धर्म के भगवान ईश्वर सच्चिदानंद है, अर्थात सत चित्त और आनंद स्वरूप है। सत का अर्थ है सनातन, शाश्वत, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं है, न बदलने वाला और न ही कभी समाप्त होने वाला। सनातन परंपरा को मानने वाले घर में कम से कम 5 देवी देवता यानी भगवान गणेश, भगवान शिव देवी, दुर्गा, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करते हैं। इन्हें भगवान सूर्य की 7, विष्णु की 4, गणेश, कई देवी दुर्गा की 1 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। हिंदू वह है जो सनातन सत्य पर आस्था रखता है तथा उसी सत्य पर चलता रहता है। यह सत्य तो केवल एक ही है, जो कल, आज और सदा सदा एक सा ही रहता है। सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। यह आध्यात्मिक मुक्ति की स्थिति है, जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सदाचार का जीवन जीना चाहिए, निस्वार्थ कार्य करना चाहिए और परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित करना चाहिए। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञान सूत्र से जुड़े और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।